स्वागत है स्पेशल हरियाणा में। दोस्तों आपको पता ही है जो सोनिया मान है लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव है और किसान ऊर्जा में लगातार बढ़ोतरी कर रही है, जिस प्रकार से किसानों को एक ऊर्जा देने का काम कर रही है। तो आज इनके से बात करने टोहाना पहुंचे हैं। नमस्कार जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। तो सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से आप भी एक्टिव हो और किसानों को लिए एक ऊर्जा देने का काम कर रहे हो जी, आज टोहाना पहुंचे हो, क्या कुछ कहना चाहोगे जी? देखिए टोहाना तो पहुंचना ही था जब हमारे भाइयों को गिरफ्तार किया था, और जिस दिन मैं पहले दिन टोहाना पहुंची थी मैंने यही कहा था अगर हमारे किसी भी भाई को ऊपर पर्चा कटता है या अंदर किया जाता है तो मैं खुद आऊंगी पर अपने आप की गिरफ्तारी देने के लिए भी। और उसके बाद भी जब हमें पता चला कि हमारे भाइयों को उठा लिया था, तो मेरा लास्ट प्रोग्राम था गतौली गांव में, मैं गतौली गांव से पूरा हाईवे बंद करवा दिया था, खंडेला का बंद था, यहाँ चिटाला गांव बंद था, सारे वहाँ पे नॉर्थ से बंद करवा दिया। कुछ लीडरों ने फोन करके वो करवा दिए, बट क्या फ़ायदा हुआ, अगले दिन तक ऐसा फिर बैठ गए, अगर उस दिन बैठ जाते तो जेल में से छोड़ देते, या फिर वहाँ थाने से छोड़ देते। उस दिन हमारे साथी कहीं फतेहाबाद जाके बैठे रहे। बात क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं किसान नेताओं की भी कमी है जी? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जो जनता है वो ही असल में उनका कहना मानना चाहिए। लीडर, असल लीडर वो है जो जनता के साथ चले, जनता के अकॉर्डिंगली चले, है ना, जो जनता चाहती है। और कल को अगर मैं अंदर जाऊं और मैं किसी के लिए ना बैठूं यहाँ पर तो कोई मेरे लिए थोड़ा ना आएगा। इसलिए सबको एकजुट होकर एकता का नारा दे के चलना चाहिए, और कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए जिससे हमारे भाइयों को तकलीफ हो। तो आज जिस प्रकार से दो तीन दिन से लगातार प्रदर्शन हो रहा है, तो पुलिस प्रशासन और सरकार क्या मन में मंशा बनाई हुई है कि जो अपने गिरफ्तार है साथी है किसान, तो उनको रिहा करने की मंशा है या नहीं है जी? देखिए दो को तो कर दिया, इसको भी करेंगे। एक कहना चाहती हूँ कि सरकार ने बहुत सारे लोग बीच में छोड़े हैं हमारे, जो कि सरकार के अकॉर्डिंगली चलते हैं, और जो सरकार हमारा आंदोलन दो फाड़ करना चाहता है, और सरकार को पता हरियाणा में थोड़ा ज़्यादा गुस्सा आता है लोगों को, तो इसलिए कुछ ना कुछ चंगारी फेंको और आग लगाओ। बट हाँ, कोई सारे इतने समझदार हैं, सारे शांतिपूर्वक अपने मोर्चे की तरफ दृष्टि रख के वहीं चलो। तो आज यहाँ पर जिस प्रकार से आप पहुँचे थे, तो क्या आप लोगों को मैसेज देना चाहोगे जो यहाँ पर किसान पहुँचे उनको जी? जी मैं तो कल से यहाँ पे हुई हूँ, और आज यही मैसेज देना चाहती हूँ, जब तक हमारा भाई दूसरा बाहर नहीं आता तब तक सभी को सोशल मीडिया के ऊपर भी दबदबा बनाना चाहिए, वीडियो डाल डाल के, और इधर भी आना चाहिए। धन्यवाद। तो अभी